तो आज हम एक होम थिएटर का आपको पूरा फुल कनेक्शन एकदम बिल्कुल ए टू जेड मार्क कर सकते हैं आप। बिल्कुल शुरू से हम आपको कनेक्शन दिखाने वाले हैं इसका। आपका एक कंप्लेन था कि आपने जो वीडियो दिखाया था उसमें कनेक्शन आप क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए हम दोस्तों आज अपने मोबाइल से बिल्कुल फुल रेजोल्यूशन 4K पे करके आपको दिखाने वाले हैं। देखते हैं इसका रिजल्ट आप कैसा हमको बताते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पूरी कनेक्शन के लिए एक आधा मीटर ये पट्टा वायर लेना है, और लेने के बाद दोनों तरफ आपको इस तरह से सोल्डिंग लगा लेनी है छिलने के बाद, ठीक है? अब इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे प्लेट में कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक कनेक्शन है तो बस स्पीकर के आउटपुट जैक का, ठीक है? वो कनेक्शन कैसे है आप देख लीजिए। ये दोनों पिन आपस में, जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है, जैसे एक स्क्रू ड्राइवर में ले रहा हूँ यहाँ पर, ये दोनों जैक आपस में शॉर्ट है। उसके बाद एक रेड वायर निकाला है, ये दोनों आपस में शॉर्ट करके, फिर एक पीला वायर और पीछे का ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करके फिर एक नारंगी वायर निकाला। और ये यहाँ पर हमने देखिए नारंगी वायर को ग्राउंड कर दिया है बीच में, और उसके बाद ये आप पीला वायर देखिए स्पीकर के एक आउटपुट है और रेड वायर एक स्पीकर का आउटपुट है, ठीक है? इतना कनेक्शन हो गया। इसके बाद हमको अब ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करना है जो अपना 12012 का सप्लाई है, ठीक है? तो यहाँ पे पॉइंट हमको दिया गया है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 3। तो आपको करना क्या है, जो आपका कलर वाला वायर है जिसमें एक ट्रांसफार्मर देखेंगे, दो वायर हमेशा सेम रहेंगे एक रंग के, तो आपको जो सेम रंग का है बिल्कुल किनारे किनारे रखना है। जैसे हम इसको रख देते हैं, ये दोनों वायर जो सेम रंग के हैं बिल्कुल किनारे रख देते हैं इस तरीके से, और जो एक रंग का है उसको हम इस तरीके से बीच में रख देंगे, ठीक है? ऐसे आपको करना है। बाकी आप एसी का कनेक्शन कर लेंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है? दोनों वायर आपस में जोड़ देने हैं, मतलब अलग अलग, ठीक है? इसके बाद बचता है अपना ये बेस का स्पीकर का वायर, इसको हम बाद में जोड़ेंगे क्योंकि अभी दिक्कत कर जाएगा हमको। तो अब अपना जो वायर हमने पूरा सोल्ड किया हुआ है इसको हम आगे तक पहुंचा देंगे, ठीक है? पीछे होल में से यहाँ पर जो अपना गैपिंग दिया गया है तो इसको हम यहाँ पर से आगे से लगा लेते हैं। तो छेद है अपना, देख सकते हैं, इसको हम लगा लेते हैं दोस्तों। तब हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा हमने वायर इस तरफ निकाल लिया है, बाकी एक टुकड़ा उधर पड़ा हुआ है सामने की तरफ। तो आपको क्या करना है, देखिए ये जो 3 वायर है ये अपना हम बनाएंगे इनपुट के लिए, तो आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ठीक है? आप अपनी इच्छा अनुसार जिसको जहाँ जाए जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जैसे बता रहा हूँ आप करिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा कनेक्शन आपका। बस इसके अलावा आपको जितना वायर है 10 वायर में ही हो जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा वायर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ये 3 वायर हम जोड़ देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए ये ब्लैक वायर हम इस तरफ किनारे रखेंगे यहाँ पर, ठीक है? और बीच में करेंगे इधर, ये अपना ग्राउंड हो जाएगा, और उसके बाद ये रेड वाले को किनारे कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रेड इधर ही रखना है, रेड आप इधर भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला भूरा वाला हमेशा इधर ही रहेगा, ठीक है? बीच में ही। और इसके बाद ये आता है अपना, हम इसको बनाएंगे अपना 5 वोल्ट की सप्लाई। ये वाइट वाले वायर को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ये अपना 78.05 लगा है, तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट है, इसको हम यहाँ से आउटपुट जोड़ देते हैं 5 वोल्ट का, ठीक है? निगेटिव हम इसके बीच में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर थोड़ी सी नॉइस आती है हविंग टाइप, तो इसको हम बिल्कुल पीसीबी के बीच में जोड़ेंगे, ग्राउंड हमको जहाँ मिलता है, ठीक है? ये अपना ग्राउंड है, हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं। अच्छे तरीके से इसको जोड़ लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे रंगा कम पकड़ा है, ठीक है? पूरी डिटेल में आपको वीडियो बताया जा रहा है, तो हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हम अपना ये बैगनी कलर का वायर और नीला कलर का वायर इसको जोड़ेंगे, तो ये देखिए आपस में शॉर्ट हो रहा है। फिलहाल शॉर्ट होने से कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही अपना स्पीकर का है इनपुट, वॉल्यूम से जो आएगा अपना, ठीक है? इसके बाद ये जो अपना 3 वायर हम बनाएंगे इसको हम बेस का वायर बनाएंगे अपना बेस के वॉल्यूम के लिए, तो ये जो हरा वाला वायर है इसको हम करेंगे ग्राउंड, तो ग्राउंड हम कर देते हैं ये जस्ट इसके बगल में, यहाँ पर जोड़ सकते हैं हम इसको। उसके बाद ये पीला वाला बीच में करेंगे, एक देखिए जैक छोड़, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही है,
तो बिल्कुल अच्छे से जोड़ लेते हैं ताकि टूटने ना पाए। ठीक है, इधर का अपना ये सारा कनेक्शन हो गया है बिल्कुल ओके। ज़्यादा कनेक्शन नहीं दोस्तों, तो थोड़ा सा ही कनेक्शन है। अब इसके बाद ये अपना स्पीकर का दो वायर है बेस का, इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसका देखिए कहाँ जोड़ना है आपको, सेम यहाँ पर बिल्कुल ही जहाँ पे आपने तीन वायर जोड़ा है इस ट्रांसफार्मर का, जस्ट वहीं बगल में दिया गया है ये वाला और ये वाला। ये न्यूट्रल है मतलब ग्राउंड, और ये पॉजिटिव फेस स्पीकर का प्लस पॉइंट। इसको हम सही से कट करके जोड़ लेते हैं ताकि टूटे ना। ठीक है, तो देखिए हमने इस तरीके से ये पीला और हरा वायर, हरा को हमने निगेटिव किया और पीला को पॉजिटिव किया। ठीक है, इधर का अपना काम खत्म है, अब इसको चाहे तो हम पैक कर सकते हैं इस तरफ से। ठीक है, बाकी कनेक्शन जिस तरीके से मैंने जोड़ा है बस आप उसी तरह से जोड़े रहिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ से हमने स्पीकर का ये सारा वायर देखिए जितना हो सके बाहर निकाल लीजिए, आपको जोड़ने में आसानी होगी। तो ये अपना फ्रंट पैनल है, देखिए पहले इसका कनेक्शन आप देख लीजिए। ये जो अपना जैक का वायर आया हुआ है ये आउटपुट है, एक वायर इस तरफ एंटीना का होता है उसको हमने छोड़ा हुआ है, इतना तो आपको नॉलेज होगा ही। तो ये हमने देखिए उठाया है एक तरफ से किनारे से मिलाते हुए, वॉल्यूम के एक तरफ और एक तरफ, ये किनारे किनारे बीच में का ग्राउंड होता है, और दोनों ये आइडियो आउटपुट है लेफ्ट राइट के। ठीक है, ये दोनों हमने जोड़ दिया ऊपर नीचे, और उसके बाद ये जो ग्राउंड वाला है हमने इस वॉल्यूम पर जोड़ा है, बीच वाला जो वायर है। ठीक है, और यहाँ से हमने इस वायर एक वायर लेकर इस वॉल्यूम के एक निगेटिव पर जोड़ दिया है, मतलब ग्राउंड बना दिया है इसको। ठीक है, और यहीं से हमने एक पॉजिटिव का वायर उठाया है इस बल्ब के लिए, जो 3.3 वोल्ट के लिए यहाँ पर जो कंपनी करके देती है इस आईआर सेंसर से। ठीक है, ये कनेक्शन पहले से ही था। तो अब हम देखिए क्या करते हैं इसको, यहाँ पर हमने वाइट वाला वायर प्लस बनाया था तो इस के प्लस से जोड़ेंगे। ठीक है, ये प्लस से जोड़ दिया, जैक नहीं दोस्तों यहाँ पर, तो डायरेक्ट हम जोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हम यही जैक पर ही जोड़ते हैं, देखिए शॉर्ट हो गया थोड़ा, मैं इसको जोड़ लेता हूँ क्योंकि बारीक वाला है ये। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको जोड़ दिया है, और कंपनी ने देखिए यहाँ पर एक्स के लिए सिस्टम नहीं बनाया था, क्योंकि यहाँ पर भी एक एक्स का सिस्टम होता है, तो कंपनी ने पीछे का सिस्टम नहीं जोड़ा था, लेकिन हमने जोड़ा है तो उसको हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है RIN, मतलब ये इनपुट का अपना दिया है लाइन इनपुट का। ठीक है, आर का इनपुट और लेफ्ट का इनपुट, ये सिस्टम मतलब लेफ्ट राइट का ये आर लिखा है। ठीक है, इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, बीच में ग्राउंड है, दोनों किनारे किनारे अपना ये फेस है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं फेस इसको। ठीक है, और हमने भी जो बीच में किया था ग्राउंड किया था, इसलिए दोस्तों मैंने बिल्कुल ध्यान से देते हुए जैसे कनेक्शन होता है ताकि आपको दिक्कत ना हो उसी हिसाब से बताया है। ठीक है, ताकि आपको वायर ज़्यादा पलटनी ना पड़े। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों वायर जोड़ ली है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम इसको पलटी कर लेते हैं, थोड़ा सा वायर छिल लेते हैं। ये दो वायर जो अपना है इसको हम जोड़ेंगे अपना जो ये 6 पॉइंट वाला वॉल्यूम है डुअल टोन का, इसके हम दोनों बीच में जोड़ देंगे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं जोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद ये जो अपना तीन वायर बचता है, मैंने बताया था पहले ही ये बेस का अपना वायर रहेगा, तो इसमें जो हरा वाला था हमने इसको ग्राउंड बनाया था, तो इस तरफ अपना ग्राउंड है तो हरे वाले को यहीं पे जोड़ देते हैं। तो ये हरा जोड़ा, बीच में बीच का जोड़ेंगे और किनारे का किनारे। ठीक है, ये हो गया अपना सारा कनेक्शन लगभग लगभग कंप्लीट। अब हम एक बार इसको लगाएंगे पावर और देखेंगे एक बार में अपना सिस्टम ऑन होता है या कुछ हमको छिड़खानी करनी हो पड़ती है। ठीक है, तो जो होगा आपके सामने ही होगा। तो ये थोड़ा सा अभी नहीं पकड़ पाया है, इसको सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये देखिए फिर छोड़ दिया, रंगे की मात्रा ज्यादा रहती है जल्दी शोल्डर पकड़ता नहीं, क्योंकि रंगा जो है ज्यादा हीट हो जाता है। ठीक है, ये पकड़ लिया है, तो सारा कनेक्शन लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब डायरेक्ट हम पावर लगाते हैं इनपुट, इसमें देखते हैं क्या कहता है ये। पावर इनपुट तो हमने दे दिया, लेकिन इसमें लाइट आई है, अच्छा लाइट आ रही है।
आवाज भी तो आ गया है, ठीक है, आवाज आ गया है। स्पीकर हम आउटपुट का लगाते हैं और देखते हैं। तो ये अपने पास एक चेक करने वाला स्पीकर रहा, इसको हम लगा लेते हैं आउटपुट में स्पीकर के जो हमने कनेक्शन किए हुए थे। ठीक है, मैंने एक स्पीकर लगा दिए हैं और अपने एफएम की आवाज तो आ गई है, बट हम यूएसबी यहाँ पर लगा के देख लेते हैं क्या ये चलता है या नहीं, सही मतलब सारा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। ओके, वैसे तो हमारा मिशन एक ही बार में सक्सेस हो रहा चाहिए, बट ट्राई लेते हैं। ठीक है, यूएसबी मैंने लगा दिया है, बस ये रीड तो करे। सो ये रीडिंग हो रही है इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं म्यूजिक ज़्यादा प्ले नहीं करूँगा, बट ये अपना सारा सिस्टम ओके है। ये बेस अपना सही काम कर रहा है, बेस बंद हो गया। ये एक तरफ का स्पीकर मैं आपको चेक कराता हूँ सही काम कर रहा है या नहीं। ये लेफ्ट राइट से अगर हम देखें, अभी बॉडी उल्टी है अपनी, ये एक तरफ का हुआ, एक तरफ का, इसको देखते हैं। ठीक है, ये सही काम कर रहा है, बट थोड़ी सी हविंग है, मतलब एक एफएम रीडिंग की आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए हम एक ग्राउंडिंग कर देंगे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी वो। ठीक है, और कहाँ से कहाँ करनी है मैं आपको बताता हूँ। एक वायर बस आपको और बढ़ा देना है और कुछ नहीं करना है। जो ये नॉइस की आवाज़ आ रही है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए कंपनी एक मोटी वायर लेती है, तो हम अपना भी एक मोटा वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पतला भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कनेक्शन किया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जो इसका मेमोरी एसडी कार्ड वाला रीडर है उसी पर इन्होंने एक वायर जोड़ा था, देखिए हमने भी जोड़ दिया है, और जस्ट इसी के नापते हुए हम एक वायर कट कर लेते हैं इसके पीछे तक का। ये आपको मेन पीसीबी के ग्राउंड पे कर देना है कनेक्शन। ठीक है, वायर हम पार कर लेते हैं उस तरफ। अब इसको हम पैक कर लेंगे आगे का भी, सुलेशन लगा के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो सुलेशन हम बाद में लगाएंगे, बस आपको एक बार चेक करवा दें। तो यहाँ पर हमने इसको वायर को कटर कर लिया है, सोल्डिंग कर लेते हैं यहाँ पर इसकी, हम जो नॉइस होगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको कर लिया है, एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं। अपना स्पीकर नहीं लगाया हुआ है, ये अपना ये हुआ आउटपुट का, और ये बेस का मैं आपको चेक कराता हूँ। देख सकते हैं, तो ठीक है दोस्तों, अपना ये पूरा फुल कनेक्शन कंप्लीट है, बस इसको अब पैक करना बाकी है, तो इसको अब हम पैक भी कर लेते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। फिलहाल आपका कोई और सवाल हो अब भी तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।